सदर थाना क्षेत्र के शामगढ़ गांव में स्थित एक माइंस के मामले को लेकर माइंस मालिकों की ओर से अराजक तत्वों को बुलाकर गांव में हवाई फायर कर ग्रामीणों को धमकाए जाने का कुत्सित प्रयास किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। खुलेआम वाहनों में सवार होकर आए बदमाशों की ओर से गांव में न केवल हवाई फायर किए गए वरन वाहन काफिले के साथ गाँव में घूम कर लोगों में खौफ पैदा करने का प्रयास किया गया है, जिसके चलते अब ग्रामीणों में जोरदार रोष व्याप्त है। मामले में ग्रामीण की ओर सदर थाना पुलिस को लिखित शिकायत पेश कर माइंस मालिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। मामले में माइंस मालिकों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण सुरेश पुत्र भवरू काठात ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि 24 मई की शाम करीब 5 से 6 बजे के करीब गांव में अचानक गोलियां चलने की आवाज आई। जब उसने मकान की छत पर चढ़कर देखा तो राहुल जैन, आयुष जैन, सोनल जैन, भरत सिंह एवं सतीश माहेश्वरी, जो शामगढ़ में माइंस चला रहे हैं, के साथ बोलेरो कैंपर में हथियारों से लैस कुछ बदमाश आगे आगे हवा में फायर करते हुए चल रहे थे। पीछे 15-20 कारों का काफिला साथ था, जिसमें सवार युवक माइंस मालिकों के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चल रहे थे। यह लोग गांव वालों को ऐलानिया धमकियां भी दे रहे थे कि माइंस में अवैध ब्लास्टिंग होगी और अवैध खनन भी करेंगे, यही नहीं गाँव की जमीन पर भी अवैध कब्जा करेंगे, अगर किसी ने विरोध किया या आवाज उठाई तो गोलियों से भून देंगे। सुरेश का आरोप है कि जब उसने उक्त लोगों से गांव में माहौल खराब नहीं करने की बात कही तो उल्टा उन्होंने उसे गोली से उड़ाने की बात कही। बताया गया कि वाहन काफिले के साथ जब उक्त बदमाश हवाई फायर करते हुए गांव से गुजरे तो बच्चों, महिलाओं आदि में दहशत का माहौल पैदा हो गया। गांव के लोगों को डराया धमकाया गया कि घरों में ही घुसे रहे, अगर बाहर निकले तो जान से मार डालेंगे। जानकारी में आया है कि माइंस मालिकों की ओर से भीलवाड़ा से यह गुंडा तत्व बुलाए गए हैं, जिन्होंने बेखौफ होकर गांव में हवाई फायर किए। फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस ने माइंस मालिक राहुल जैन, आयुष जैन, सोनल जैन, भरत सिंह एवं सतीश माहेश्वरी के खिलाफ धारा 143, 387 एवं 325 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर इस मामले में ग्रामीणों में जोरदार रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने पुलिस को आगाह किया है कि यदि समय रहते उक्त अराजक तत्वों एवं माइंस मालिकों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों को आंदोलन करना पड़ेगा। 25/5/2022 को ग्राम शामगढ़ में सतीश जी जैन है, उनकी कोई माइंस है, वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पर उनको डरा धमका करके कुछ पैसों की डिमांड की जा रही थी, जिसके संबंध में पूर्व मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी बात को लेकर के मोनू सिंह और भरत सिंह उनके ग्रुप के द्वारा कुछ लोगों को खाना का बहाना बना करके यह लाया और गांव में लोगों में दहशत फैलाने और भयभीत करने के उद्देश्य से हवाई फायर किए, जिसमें ये तस्दीक की जा रही है कि हवाई फायर वास्तव में रियल गन से हुए हैं या किसी एयर गन के द्वारा, जिसके संबंध में कल दिनांक सुरेश सनो पवन काठात ने उपस्थित थाना होकर के मुकदमा दर्ज करवाया।